73वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर विश्रामपुर विधानसभा सहित देश के तमाम वासियों को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामना। आज ही के दिन हम भारतवर्ष के लोगों ने न्याय, समानता और भाईचारे के प्रति दृढ़ संकल्प लिए थे। आज मैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को सत सत नमन करता हूँ, जिन्होंने विभिन्न जातियों, धर्मों और क्षेत्रीय विभिन्नताओं के रहते हुए भी एकता के सूत्र में बंधने वाला संविधान दिए। आइए हम सब मिलकर गणतंत्र दिवस के पावन बेला में संविधान के मूलभूत आदर्शों की रक्षा एवं देश के सर्वांगीण विकास के लिए संकल्पबद्ध हों। जय हिंद। जय जादव, जय माधव। मैं प्रदेश जादव महासभा का प्रदेश अध्यक्ष रामाशीष यादव बोल रहा हूँ। आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई एवं ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसा कि हमारा आंदोलन और रफ्तार पकड़ते चला जा रहा है, यही रेजिमेंट की मांग पूरे देश में बढ़ रही है और झारखंड में भी काफ़ी लोगों को जानकारी मिल गई है और ये आंदोलन धारदार होते चला जा रहा है। साथ ही साथ जातिगत जनगणना और आर्थिक जनगणना को भी हमारा प्रमुख मुद्दा माना जा रहा है। इसलिए आप सभी से आग्रह भी है कि इस आंदोलन को धारदार बनाएं और राष्ट्र हित में, जैसा हमारा देश विश्वगुरु बनने की राह में आगे बढ़ता चला जा रहा है, हम सभी लोगों को सकारात्मक ऊर्जा के साथ राष्ट्र हित में आगे आना चाहिए। पुनः बहुत बहुत बधाई एवं ढेर सारी शुभकामनाएं। जोहार। गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर पूरे राज्यवासियों को और डिप्लोमा अभियंता संघ के सभी सदस्यों को मैं हार्दिक बधाई देता हूं। आइए हम सब मिलकर के पूरे ऊर्जा और जोश के साथ इस गणतंत्र दिवस पर संकल्प लें और राज्य को एक नई ऊर्जा के साथ सहयोग करें। जय हिंद। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने चाईबासा में अधिकारियों के साथ बैठक कर समीक्षा करते हुए योजनाओं के समय से पूरा नहीं होने पर फटकार लगाई है। मुख्यमंत्री ने विकास योजनाओं में देरी करने वाले अधिकारियों को दंडित करने की भी बातें कही है। वहीं पेंशन की सुविधा को घर घर पहुंचाने के लिए अधिकारियों को गांव गांव जाकर जागरूकता फैलाने को कहा गया है। कुछ मुख्य कंपोनेंट्स को लेकर के विशेष रूप से हम लोग का फोकस था। ओवरऑल तो है ही, जैसे पेंशन, सार्वजनिक पेंशन में कोई छूटा कि नहीं छूटा, सावित्री बाई फुले स्कीम में कितनी बच्चियों को जोड़ा गया, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन कितने तक गया नहीं गया, इन सब चीज़ों पर कुछ चीज़ों में अच्छी प्रगति है, कुछ चीज़ों में बहुत अच्छी प्रगति है, कुछ चीज़ों में थोड़ा कमी बेसी है, कुछ चीज़ों में थोड़ा सा उसमें और थ्रस्ट देने की आवश्यकता है। तो कुल मिला जुला करके बहुत अच्छा रहा और ये क्योंकि पहली बार इस तरीके की कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं तो निश्चित रूप से थोड़ा आज इनकी थोड़ा ये एक इंडिकेशन है कि आने वाला समय में कि सरकार कोई किसी तरीके से कोई कोताही नहीं बरतेगी। मिनी लंदन मैकलुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में।
राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।